सो व्हाट्स अप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर डे इन माय लाइफ। मैं हूं कुणाल बोरो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। So what's up everyone, welcome back to another vlog। So ये वीडियो मैं iPhone 13 के फ्रंट कैमरे से कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना अच्छा क्वालिटी है। और ये वाला वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ iPhone 13 के बैक कैमरे से, जो कि 4K 24 FPS में रिकॉर्ड हो रहा है। जाहिर सी बात है इसका क्वालिटी फ्रंट कैमरे के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। सो अभी आगे मिलते हैं। सो अभी मैं ये वॉक करते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कैमरा में स्टेबिलिटी कितना है और मेरा वॉइस कितना अच्छे से सुनाई दे रहा है आप लोग को। तो मैंने ये iPhone 13 जो है फ्लिपकार्ट के BBD सेल में ऑर्डर किया था। हमने एक दिन का अर्ली एक्सेस लेके रखा हुआ था, तो मेरे को एक दिन पहले मिल चुका था। तो मैं और मेरा भाई, एक अंकित नाम का भाई है, तो हम दोनों मिलकर कर रहे थे। मैं फ़ोन में कर रहा था और वो वेबसाइट पर कर रहा था। 9 3 5 6 2 1। तो फोन पे मतलब ऑर्डर हो नहीं रही था, सर्वर बार बार डाउन हो रहा था, पर वेबसाइट में हो रहा था। तो 15-16 मिनट बाद बार बार स्टॉक आउट होने के बाद किसी तरह ऑर्डर प्लेस हो गया था और मुझे मिला ये iPhone 13 प्रो मैक्स नहीं, सिर्फ iPhone 13 जो कि 128GB है वेरिएंट है, जो मेरे को 48,000 समथिंग में मिला था। अभी मैं मेरा iPhone 13 के बैक कैमरा से शूट कर रहा है और हम घर के पीछे का तरफ है। यहाँ पे हवा बहुत आ रहा है, मतलब जिस तरफ में माइक फेसिंग है उस तरफ से ही हवा आ रहा है। तो शायद आप लोग को माइक का आवाज़ या फिर हवा का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा, पर क्वालिटी देख लो आप लोग कैसा है, क्या ही बोलेगा। अभी iPhone में क्वालिटी अच्छा नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा। तो आज का हमारा रनअप हो चुका है, बहुत दिनों बाद भाग रहा हूँ तो गंदा थक चुका हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना ब्लर है। एक मिनट में सिनेमेटिक मोड में शिफ्ट करता रुकिए। तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये iPhone 13 के सिनेमेटिक मोड से शूट किया गया है। मैं भाग रहा था तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कितना अच्छे से ब्लर है। iPhone 14 में हालांकि इससे अच्छा है, पर iPhone 13 में ठीक ठाक है। मगर iPhone 13 में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर पीछे से बहुत सारा रोशनी आ रहा है तो वो रोशनी आपके लेंस में लग के रिफ्लेक्ट करके एक छोटा सा ग्रीन लाइट बनाता है, जो आपको दिख रहा होगा मेरे फेस से इधर उधर में कहीं भाग रहा होगा। और ये प्रॉब्लम आपको दोनों लेंस में देखने को मिलेगा, आगे का भी पीछे का भी। ये मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन है। तो ये प्रॉब्लम तो क्या ही कर सकते हैं। iPhone या iPhone 12 में भी था और अभी 13 में भी, 14 में है कि नहीं मुझे पता नहीं है। और जहाँ तक नॉइस कैंसिलेशन का बात है तो iPhone 13 का माइक इतना अच्छा नहीं है, मतलब अगर आप व्लॉगिंग करते हो iPhone से तो आसपास का नॉइस भी ज़रूर कैप्चर हो जाता है इस माइक में। हाँ, और एक खास बात है iPhone 13 में, ये है नॉर्मल लेंस और ये है वाइड एंगल लेंस, मतलब कुछ तो व्लॉगिंग करने वाले के लिए कुछ तो है इसमें। अच्छा ना, तो अभी हम यहाँ पे मेरा वो भाभी के घर में आया, बच्चा को शुरू कराने की कोशिश कर रहा है, तो उसे नहीं आ रहा है, क्या देगा इसको। फिर मैं यहाँ पे मेरे भाभी के घर में आया, ये बच्चा को ले रहा है, सो बच्चा है कुछ भी हल्ला नहीं करता। आई विल गो, तो अभी थोड़ा टाइम इधर बैठते हैं, फिर जाएगा इधर से ना।
तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम ऐसे ही है, बच्चों लोग खेल रहे, इतना सारा बच्चा है यहाँ पे छोटा छोटा सब। तो अभी रात हो चुका है यहाँ पे ऑलमोस्ट, अभी 6:30 हो चुका है, तो अंधेरा बहुत है यहाँ पे। जाहिर सी बात है जो अपर स्टेज से मतलब वेस्टर्न स्टेज से वहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ होगा, पर ईस्टर्न स्टेज में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। अंधेरा में भी आप देख सकते हो कैमरा क्वालिटी कैसे, आप लोग देख के बताना कि नाइट में क्या ये कैमरा अच्छा है या नहीं है।